हेलो बच्चों, गणित की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 गणित विषय में पाठ 8 ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में बच्चों हमने तल, रेखा, रेखाखंड व किरण का अध्ययन किया। आज इस भाग में बच्चों हम कोण, वृत्त का अध्ययन करेंगे। बच्चों प्रस्तुत पाठ में सीखने का प्रतिफल है M407 अपने परिवेश के विभिन्न आकृतियों की समझ रखते हैं। वृत्त, वृत्त के केंद्र, व्यास व त्रिज्या को पहचानते हैं। दिए गए जाल नेट से घन, घनाभ बनाते हैं। बच्चों यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है, उन आकृतियों को ध्यान से देखो और वे किन चीज़ों से बनी हैं। बच्चों यह आकृति जो है माचिस के तिलियों से बनी हुई है। बच्चों आप लोग भी माचिस की तीली इकट्ठा करो और फर्श या जमीन पर ऐसे ही आकृति बनाओ। बच्चों यह जो आकृति तुमने बनाई है वह कौन दिखाती है? बच्चों क्या यहाँ पर बनी हुई आकृति सभी एक जैसे है? नहीं बच्चों, सभी आकृति एक जैसे नहीं है। यह आकृति हम अपने आसपास, अपने घरों पर, अपने स्कूलों पर देख सकते हैं। बच्चों इन आकृतियों को बनाने के लिए कितनी तिलियों का उपयोग किया गया है? बच्चों एक आकृति को बनाने के लिए 2 तिलियों का उपयोग किया गया है। बच्चों ये तिलियां एक बिंदु से मिलती है। अगर हम तिली को किरण समझ लें तो हम कह सकते हैं एक बिंदु से मिलने वाली आकृति को कोण कहते हैं, या इसी को कह सकते हैं जब 2 किरणें एक ही बिंदु से निकलती है तो कोण बनता है। यहाँ पर कुछ कोण बने हुए हैं। बच्चों इसी प्रकार घड़ी में भी कोण बनता है। यहाँ पर कुछ घड़ी दिखाई दे रहा है, उन्हें ध्यान से देखो और उनके छोटे बड़े कांटों को देखो, क्या वहाँ पर कोण बन रहा है? बच्चों हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर कोण अलग अलग बन रहा है। अगर इन कांटों की स्थिति को अदल बदल दें तो बनने वाले कोण भी अलग अलग होते हैं। नीचे कुछ घड़ियाँ दी गए हैं, उनके कांटे को अदल बदल कर आप कोण बनाइए। शरीर में कोण, बच्चों गणित एक मानव के रूप में हमसे व हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और कोण इसका बेहतर उदाहरण है। बच्चों हम अपने हाथ, अपने पैर को एक कोण पे मोड़ते हैं। बच्चों हमारे शरीर के अंगों के माध्यम से हम कोण बना सकते हैं। जैसे हम अपने हाथ को फैलाएंगे, कम करेंगे तो कोण की स्थिति बनता है। इसी प्रकार अपने पैरों के माध्यम से भी कोण बना सकते हैं। यहाँ चित्र में कुछ योग के आसन दिए हुए हैं, इन्हें ध्यान से देखो और कहाँ कहाँ कोण बन रहा है ये देखिए। बच्चों इसी प्रकार कील से भी हम कोण बना सकते हैं। इसके लिए पहले एक कील लो और उसे जमीन पर गाड़ दो। अब रस्सी को कील पर इस प्रकार बांधो कि बच्चों रस्सी का दोनों सिर पर्याप्त लंबाई की हो। अब हम रस्सी को फैलाते हैं और खींच कर रखते हैं तो हम देखते हैं बच्चों कील से भी कोण बन रहा है। क्या हम इन कोनों को फैला कर देखते हैं तो एक ही जैसे कोण बन रहा है कि हम अलग अलग कोण बना सकते हैं? जैसे इसे हम कम फैलाएंगे तो छोटा कोण बनेगा और इसे अधिक फैलाएंगे तो बड़ा कोण बनेगा। बच्चों यहाँ पर ये स्लेट दिखाई दे रहा है। बच्चों इसके कोणों को देखिए और अवलोकन कीजिए कि इनमें किस प्रकार का कोण बन रहा है। इसी प्रकार ये पुस्तक है, उनके कोणों को देखिए, क्या इन दोनों के कोण एक जैसे हैं? क्या इनमें बनने वाले कोण एक ही जैसे हैं? इसी प्रकार ये टेबल है, इनके कोणों को भी आप देखिए, क्या इनके भी कोण वैसे ही है? ये ब्लैक बोर्ड है, इसे देखिए, इनके कोणों का भी आप अवलोकन कीजिए, इनके इनमें बनने वाले कोण भी वही एक जैसे है। बच्चों
हम अभी देखा पुस्तक, श्यामपट, ब्लैक बोर्ड, इनके कोनों का अवलोकन करते हैं तो हमें ये आकृति प्राप्त होता है। बच्चों, इसके लिए हम और अन्य गतिविधि कर सकते हैं। एक कापी लो और पुस्तक का एक कोना उस पर रखिए और पेंसिल से कोनों के दोनों ओर निशान लगाइए तो हमें जो है यह आकृति प्राप्त होता है। इसे ही हम समकोण कहते हैं। बच्चों, इसके कुछ उदाहरण हैं। ये जैसे हमारे घड़ी में भी बनता है, जैसे यहाँ पर देखो एक 9 बजे की स्थिति है और एक 3 बजे की स्थिति है। ये समकोण वाली स्थिति है। इनके कुछ उदाहरण है बच्चों, जो यहाँ पर ये दिखाया गया है। बच्चों, इसे और अन्य तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे एक कागज लीजिए, उसे 2 बराबर भागों में मोड़ दीजिए, फिर उसे पुनः मोड़ दीजिए और जब हम खोलते हैं तो देखते हैं कागज में 2 लकीरें बन जाती है और देखते हैं कि वे लकीरें एक ही बिंदु से होकर जाती है और एक दूसरे को काटती है और यहीं पर कोण बनता है। बच्चों, इस कागज पर 4 कोण बने हुए हैं और ये सभी समकोण हैं। बच्चों, समकोण के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, इनके कोणों का अवलोकन कीजिए तो हम पाएंगे ये सभी कोण कोने जो है समकोण की आकृति के है। बच्चों, यहाँ पर फिर आपको यह पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। एक कागज लीजिए या एक गत्ते लीजिए, उसका एक टुकड़ा काट लीजिए, क्योंकि वर्गाकार का टुकड़ा समकोण होता है और उन टुकड़ों से यहाँ पर जो आकृति दी गई है उन्हें देखिए कि उन टुकड़े से कौन सी आकृति छोटी है और कौन सी आकृति बड़ी है। जो आकृति छोटी है वो न्यून कोण होगा और जो आकृति बड़ी है वो अधिक कोण होगा। बच्चों, समकोण से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये नाम से स्पष्ट है, न्यून कोण मतलब छोटा। बच्चों, यहाँ पर जो आकृति दिखाई गई है, जो कोण बना है वो न्यून कोण है। इसके उदाहरण भी हम घड़ी के रूप में देख रहे हैं। यह जो स्थिति घड़ी में दिखा रही है वह न्यून कोण है। इसके कुछ उदाहरण हैं। बच्चों, देखो गुलेल में कौन सी आकृति बन रही है। इसी प्रकार जो टहनी है उसमें भी न्यून कोण वाली आकृति बन रही है। समकोण से बड़े कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। यह जो आकृति दिखाई दे रहा है वह अधिक कोण है। घड़ी में जो आकृति हम देख रहे हैं वो भी अधिक कोण वाली स्थिति है। यहाँ पर कुछ इनके उदाहरण हैं। बच्चों, ये अधिक कोण के उदाहरण है। यहाँ पर दी गई उदाहरण को देखो बच्चों, ये कुर्सी है, उसकी निचली सतह को देखो और ऊपरी सतह को देखो, ये अधिक कोण का उदाहरण है। इसी प्रकार ये लैपटॉप को देखो, उसके निचली सतह और ऊपरी सतह। इसी प्रकार हल को देखिए बच्चों, ये भी अधिक कोण का उदाहरण है। बच्चों, यहाँ कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, उन्हें अपने पाठ्य पुस्तक से देखकर करिए। बच्चों, एक सिक्का लीजिए, उसे अपने कापी के पन्ने पर रखिए और उसके चारों ओर पेंसिल से लकीर खींचिए तो हम देखते हैं कि वह कौन सी आकृति है। बच्चों, इसी प्रकार आप अन्य चीज है जैसे ढक्कन है या चूड़ी से यह आकृति बना सकते हैं। इसी प्रकार एक और अन्य गतिविधि कर सकते हैं। बच्चों, एक मैदान में एक कील गाड़ देते हैं और एक रस्सी के सहारे एक रस्सी के सिरे को कील पर बांध देते हैं और रस्सी के दूसरे छोर को डंडे के बीचों बीच बांध देते हैं और डंडे को इस प्रकार रखते हैं बच्चों कि वह तनी रहे और कील के चारों तरफ हम लकीर खींच देते हैं। इस प्रकार से जो बनी हुई आकृति को हम वृत्त कहते हैं। बच्चों, बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न चीज़ें वस्तुएं देखते हैं जो गोल आकृति की होती है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, एक पहिया है, प्लेट है, चूड़ी है, घड़ी है और एक चौका है जो वृत्त की आकृति की है। बच्चों, इसी प्रकार हम प्रकार की मदद से भी वृत्त बना सकते हैं।
प्रकार का एक नुकीला जो नोक वाला हिस्सा है उसे हम जमा कर रखते हैं और पेंसिल वाले हिस्से को घुमाते हैं, तो इस प्रकार बनी हुई आकृति को हम वृत्त कहते हैं। बच्चों यहाँ पर यह आकृति बनी हुई है और जहाँ पर हमने नोक रखा था वहाँ पर यह बिंदु है, उसी को हम केंद्र कहते हैं। यहाँ पर बिंदु का केंद्र है। बच्चों यह वृत्त की त्रिज्या है। जब केंद्र से कोई रेखाखंड वृत्त के किसी बिंदु से मिलता है तो वह त्रिज्या कहलाता है। बच्चों यहाँ पर क ख एक त्रिज्या है। बच्चों यहाँ पर वृत्त दिखाया गया है, उन्हें ध्यान से देखिए। वृत्त के केंद्र से उनके वृत्त के छोरों को छूने वाली जो रेखाखंड है वह व्यास कहलाते हैं। यहाँ प म व्यास है। बच्चों यहाँ कुछ अभ्यास कार्य दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है, उनके भागों के नाम आपको लिखना है। यहाँ पर जो वृत्त के केंद्र है उनको पहचान कर उनके केंद्र का नाम आपको लिखना है। इसी प्रकार यहाँ कुछ और दिए हुए हैं बच्चों, उनके व्यास को पहचानना है और नीचे प्रश्न 4, 5, 6 दिए हुए हैं, उन्हें आप स्केल की सहायता से प्रकार की सहायता से नाप कर बनाएंगे। बच्चों प्रश्न 4 में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बनाना है। इसके लिए क्या करना है बच्चों, आपको स्केल लेनी है और प्रकार की सहायता से प्रकार की नोक जो है स्केल का 0 बिंदु पे रखेंगे और पेंसिल को स्केल के 7 नंबर अंक पे रखेंगे और उसके बाद हम कापी पर प्रकार की सहायता से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बना सकते हैं। ऐसे ही बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 और 6 को आपको घर पे करनी है। बच्चों इस भाग में हमने जाना कोण, कोण के प्रकार, वृत्त, वृत्त के भागों के नाम। धन्यवाद बच्चों।